जब इनके मरने का समय आता है तो यमदूत आता है और आके इनकी आत्मा को खींच के ले जा रहा होता है। तो ये जाते जाते पूछते हैं इनकी आत्मा की, मैं स्वर्ग और नर्क दोनों में से कुछ चुन सकता हूं क्या? आप सबका नमस्कार, मैं अलंकार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस एम्पलीफायर। शायद आज मेरे नमस्कार में वो बात नहीं, माँ मेरी अब मेरे साथ नहीं, इस मुश्किल घड़ी से हम निकल तो अभी शायद पाएंगे नहीं, लेकिन माँ को ये वीडियो देख के जरा अच्छा लगता था। मुझे याद है वो जब भी मेरे वीडियोज आते थे वो वीडियोज आराम से बैठ के देख रही होती थी और कई कई बार देख रही होती थी। मुझे ये सेटिस्फैक्शन होता था कि हाँ ये वीडियोज कोई देखे ना देखे मेरी माँ मेरे वीडियोज देख रही है, तो उनके लिए ये करना पड़ेगा और ये करके मुझे खुशी भी मिलेगी। शुरू करते हैं, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक आदमी होता है, बहुत अच्छा होता है, किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी से झूठ नहीं बोला, कोई गलत काम नहीं किया। जब इनके मरने का समय आता है तो यमदूत आता है और आके इनकी आत्मा को खींच के ले जा रहा होता है। तो ये जाते जाते पूछते हैं इनकी आत्मा की, मैं स्वर्ग और नर्क दोनों में से कुछ चुन सकता हूं क्या? तो इसने बोला, चुनने वाली क्या बात है साहब, आप तो स्वर्ग ही जाएंगे, आपने हमेशा अच्छा काम किया, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, आपको स्वर्ग ही जाना है। तो बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो बोलता है, ठीक है दिखा देते हैं। अब ये जब जाते हैं तो ये सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे नर्क ले चलो। तब ये नर्क जाते हैं तो नर्क में देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं, खाने का समय हो चुका है, बहुत लंबी सी एक टेबल लगी हुई है, उसी लंबी सी टेबल में बहुत सारा खाना है और लोग कुर्सियों में बैठते जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं, चलो आप मुझे स्वर्ग दिखाओ। जब ये स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में देखते हैं वही माहौल है, वही लंबा सा टेबल है, बहुत सारा खाना है और बहुत सारे लोग। तो इनको समझ में नहीं आता कि फर्क क्या है। ये बोलते हैं, मुझे फिर से नर्क दिखाओ। जब ये फिर से नर्क जाते हैं तो वहां देखते हैं सारे लोग खाने की टेबल में बैठ चुके हैं, खाना बहुत सुंदर सा स्वादिष्ट सा सामने रखा है और हाथ में दो दो मीटर लंबे चम्मच लगे हुए बंधे हुए हैं हाथ में। ये बोलते हैं, यार मुझे स्वर्ग दिखाओ। स्वर्ग में जाके देखते हैं, वहां भी सारे लोग ऐसे ही बैठे, सबके हाथ में दो दो मीटर लंबे चम्मच बंधे हुए। तो ये सोचते हैं ये दोनों लोग खाएंगे कैसे, स्वर्ग में भी कोई खा नहीं पाएगा, नर्क में भी शायद कोई खा नहीं पाएगा। तो बोलते हैं, एक बार वापस नर्क चलो। तो नर्क में देखते हैं सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि आप दो मीटर लंबे चम्मच से खुद तो खा नहीं सकते, तो सारे के सारे बैठे हुए। जब ये स्वर्ग जाते हैं तो ये देखते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे। मैं तो नहीं खा पा रहा हूं अपना खाना, लेकिन मैं सामने वाले को जरूर खिला सकता हूं जो टेबल के उस पार बैठा हुआ है। ये कहानी शायद आपने पहले कभी सुनी हो, किसी बहुत सारी अच्छी किताबों में इस कहानी का रेफरेंस है, लेकिन इस कहानी से जो सीख है ना, वो सीख हमारे एग्जिस्टेंस इज इंटेलिजेंट का पार्ट टू है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर पर्सन का नेचर अलग है। हम इस स्टोरी से दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज ये सीखेंगे कि अगर आप सिर्फ सेल्फिश हैं हर स्टेज ऑफ लाइफ में तो ये एक प्रॉब्लम है। सेल्फिश होना बुरा है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी चीजों में शायद वो सेल्फिश होना आपके लिए अच्छा ही होता होगा, दूसरों के लिए क्या होता होगा इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आप सेल्फिश हैं, कुछ जगहों पे ये बहुत हेल्प करता होगा, लेकिन अपने लाइफ के हर स्टेज में अगर आप सेल्फिश हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम। यहां पे मैं एक ब्रेक कर रहा हूं कि अगर आपको ये मौका मिलता है कि कुछ आपको नहीं मिलता है तो क्या आप दूसरे को देने को तैयार है, या ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं मिलने वाली तो जिसको जरूरत है क्या आप देने को तैयार है? अगर ऐसा है तो आप सही जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस इज इंटेलिजेंट का खास क्रीम इस स्टोरी में एक बहुत जबरदस्त तरीके से लेके आता हूं, और वो इस तरीके से है कि हर पर्सन की एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है इस दुनिया जो उसे पूरी करनी है। अब जितने भी लोग यहां पे आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मैं आप हर कोई, सबका एक रिक्वायरमेंट है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दूसरे को बुरा लग सकता है, लेकिन इसकी कोई ना कोई यूसेज जरूर होगी आने वाले किसी समय पे। आपको बहुत सारे लोगों को देखा होगा, यार ये बहुत बोलता है, कोई बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, आप बहुत परेशान हो जाते, आपको लगता है यार ये बहुत इरिटेटिंग है, आप बिल्कुल अच्छा नहीं, आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप उसके नजरें नहीं मिलाना चाहते, आप उसके साथ बैठना नहीं चाहते। मैं यहां पे आपको रोकना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सबको सबको अच्छा मान लेना चाहिए, हर किसी के साथ बैठना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि कोई पर्सन अगर उस नेचर का नहीं है जो आपको पसंद है तो आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर पर्सन के नेचर के हिसाब से उसकी कोई जरूरत होगी। मैं आपको एक छोटा सा एक दो एग्जाम्पल देता हूं। अगर चार फ्रेंड गोवा गए, चार में से सबने अलग अलग काम बांट लिए, एक फ्रेंड ऐसा था जो बहुत बात करता था, जिससे तीनों के तीनों थोड़ी दूरी बना के चलते थे, इसको भेजा भैया तू गाड़ी ले गया। वो गाड़ी लेने गया, अगले दिन सारे गोवा निकलने लग गए, थोड़ी दूर में जाके उसने गाड़ी रुकवा दी, बोला गाड़ी में एसी ठीक से ठंडा नहीं कर पा रहा, तो ठंडा नहीं कर पा रहा है तो ये बोलता है कि अरे बाकी तीन बोला अरे छोड़ो ना काम चला लेंगे, बोला नहीं नहीं काम नहीं चला।
आपको समझ नहीं आएगा लेकिन दो एक घंटे बाद आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी। इसने तुरंत फोन किया जिससे इसने गाड़ी बुकिंग की थी, उसको गाड़ी बुकिंग वाले को फोन करके बोला, यार मैंने आपको दो तीन रिक्वायरमेंट बोली थी गाड़ी के लिए, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बोला था कि 2021 मेक की गाड़ी देंगे, यहां तो मैंने चेक कर लिया ये तो 2017 मेक की गाड़ी है, यानी आप झूठ बोल रहे थे, आप सही बात नहीं कर रहे थे। आपने मुझे बोला था सनरूफ के बाजू में ऐसा एक क्लिप लगा हुआ है, वो क्लिप लगा हुआ वाला गाड़ी ये नहीं है, आपने मुझे बोला था कि वहां पर मैंने एक फोटो लगाई हुई है, ये वो गाड़ी नहीं है, आप जो गाड़ी की बात मुझसे कल कर रहे थे ये वो गाड़ी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि बाकी तीन दोस्त होते तो जाते बुकिंग करते एक पर्ची लेके आते और वापस आ जाते, लेकिन इसने बहुत देर बात की क्योंकि बहुत बात करता था, तो इसे गाड़ी की एग्जैक्ट डिटेल पता थी जो उसने बताई थी, इस मालिक ने बताई थी जो उस गाड़ी का रियल ओनर था, लेकिन क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा करता है इसीलिए आपको हेल्प हो गई, सबको हेल्प हो गई। वो तीन दोस्त क्या, वो सारे के सारे लोग आराम से गए क्योंकि उसके बाद उसने लेटेस्ट गाड़ी तुरंत भेजी। तो हर किसी के किसी क्वालिटी का कोई यूसेज है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करते जाते हैं, बहुत सारे समय इरिटेटिंग लगता है, लेकिन आप मानिए कोरोना के समय जितने जगह वैक्सीन लग रही थी, जितने जगह पे ये हेल्प हो रहा था कि कहीं पे डॉक्टर है कहां नहीं है, कहां बेड है, किस जगह खत्म हो गई, उस समय ये सारे लोगों से आपको बहुत हेल्प मिली है। अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं हुआ तो शायद आप नहीं समझ सकते, लेकिन किसी के घर में कोई बीमार हुआ तो जब ये जो ये फॉरवर्ड्स है जो हर चीज फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, हर चीज फॉरवर्ड कर दे रहे हैं आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है, उस जगह पे ये लोग बहुत काम आए होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंट है, भगवान ने सबको कुछ सोच के बनाया, हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें कि यार ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, या हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं सोचता, हमारे जैसा टेम्परामेंट क्यों नहीं रखता, क्यों रखे, आपके जैसे दो लोग की जरूरत होती तो आपका डुप्लीकेट आता, जरूरत है जरूरत नहीं है भगवान लाते ही नहीं, मेरे जैसे दो की जरूरत क्यों है, अगर मैं दो अलंकार हुए होते, ऐसा नहीं होता है। हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस दुनिया में, वो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने आया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे अलग होगी। अरे यार ये मेरे जैसा नहीं है बोलना इज स्टूपिड, हर कोई अपने जैसा ही है और हर कोई अलग है, इसीलिए उनकी यहां पे जरूरत है और उसकी कोई ना कोई वजह जरूर है जो आपको आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगी। तो आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि हमें दो चीज सीख लेनी चाहिए आज के दिन पे, कि सबसे पहली बात तो कोशिश करें कि लाइफ के हर स्टेज में सेल्फिश ना रहे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए इस ये वीडियो बना हुआ है एग्जिस्टेंस इज इंटेलिजेंट, वो ये है कि आपके या आपके जैसे करोड़ों के होने का रीजन अलग है और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो इस वजह से हम किसी से नाराज नहीं होने चाहिए, हर किसी की एक अलग जरूरत है दुनिया में। तो सबको सलाम और सबके बींग को सलाम, मेरा प्रणाम, नमस्कार।